Lidara bui dekha ene ke di yebom hoy don ngomun ken mar ditaga ni ngok laaj de log minister ido de lor holongok area holo erinda development em langa la 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 to la to do di de log ke ngok hari dong ko holo department na bui dem lumang pwd division room go holo 115 crore ko ngo holo engkue tendari do em evito iname room gong tu yogong Bedang yang pahun deson ilah mebito Engkau ke Pangkeng tu bingung BMG suai yang pahun deson ilah mebito Sengcon yang lala mebito Molom tu bongne yang 39 crore ngan nako lala mebito Kain township road yang 15 crore kongo sengcon ilah mebito Iname dem agiri robla em tendari robla ido dem election ko no ko ingo ko no konda ke diklar kai delo tendari langkuma ido delo ai emele pa ko agiri giri holo muito emele dem pankuma dem emele dem pankuma kon pane agiri dem gere lagi duda de to agiri itabo mo inam kamang Ako na lalamay namin, ako na agirima, ito na di. Aas ka BJP Seva Pakuhara ka jo program hai. Ye All India program hai. Ye Prime Minister Shri Narendra Modi ji ka birthday ko celebrate karne ke liye. Birthday ka 2 weeks pehle start hua hai wo isme. Aur ye solke solke. Aas... गांधी जयंती में 22 अक्टूबर में ख़त्म होना है तो आज हम लोग जहाँ अपना एरिया में भी जहाँ तहाँ प्रोग्राम करके करके आज यहाँ मोलम बस्ती में आया है और यहाँ ऐसे पब्लिक का साथ इंटरेक्शन हो रहा है और जो तोरा छोरा जो पब्लिक मीटिंग हो रहा है उस उपलक्ष में उस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए ये आज ऑर्गेनाइज किया गया है तो ये रहा ये आज के प्रोग्राम यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि आपके यहाँ बीजेपी वाले लिखा गया है और जहाँ तक बात है 32 रूमगों की यहाँ पर लगभग 4 ये है उम्मीदवार है उन लोगों के भी बैनर बीजेपी के अंदर बनवाया हुआ हमें कई बार देखने को मिला ये दुविधा में डालने वाली बात है क्योंकि 4 ये है उम्मीदवार है और चारों के चारों बीजेपी 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 ऐसा उनका बैनर बीजेपी बीजेपी पर बना हुआ है तो ये दुविधा में डालने वाली बात है इसको लेकर आप थोड़ा विस्तार से बताइए क्योंकि आप पिछले बार भी बीजेपी का मेम्बर रहा बीजेपी का मेंबर 2009 से मैं बीजेपी एमएलए इलेक्टेड हुआ है और अभी 2019 तक मैं 3 टाइम्स कंटिन्यूस बीजेपी का टिकट मिला है अभी तक
बीजेपी का जो ये एस ऑफिशियल कैंडिडेट जब तक न्यू इलेक्शन आने वाला इलेक्शन नहीं आता है तब तक तो मैं कंटिन्यू है, और वो नेक्स्ट इलेक्शन में अगर बीजेपी हमको टिकट नहीं देता है तब अलग बात है। लेकिन अभी कोई दूसरा बीजेपी कैंडिडेट बोलने का राइट नहीं है जब तक इलेक्शन नहीं होता है। जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक कोई दूसरा उम्मीदवार बीजेपी कहलाने लायक नहीं है। आपको लगता है कि इन तीनों उम्मीदवारों को छोड़ के जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो आपको ही टिकट देंगे आने वाले चुनाव के लिए? वो तो टिकट जो है ये डिपेंड करता है जो ये पब्लिक पॉपुलरिटी में, पब्लिक सपोर्ट में। बीजेपी बहुत अच्छा से एसेस करके टिकट देता है, ऐसे नहीं है कोई कोई बहुत सिटिंग एमएलए एमपी को भी टिकट काट जाता है अगर उसका ग्राउंड ठीक नहीं है। तो मेरा मुझे तो टिकट काटने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बीजेपी का रेगुलर कैंडिडेट हूँ, और अभी हार के भी मेरा ग्राउंड ऐसे ही है, अच्छा है। शायद सबसे पॉपुलर पब्लिक में जो सबसे पॉपुलर कैंडिडेट अभी भी मैं ही हूँ, तो इसलिए मुझे टिकट करने का कोई बात नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये रहा अभी पार्टी वाले बात। जब आप स्पीच दे रहे थे, वहाँ पर भाषण दे रहे थे, तो आपने कहा कि शायद पीडब्ल्यू विभाग रुमगोंग पे 150 करोड़ की बात भी आपने की जा रही थी, तो उसको तरफ कन्फ्यूजन में डालने वाला बात था, क्योंकि विस्तार से आपसे वो 150 करोड़ का जो मामला है पीडब्ल्यू विभाग जो रुमगोंग पे आपके द्वारा डलवाया गया था, वो थोड़ा विस्तार से आपसे सुनना चाहेंगे। पीडब्ल्यूडी रुमगोंग को, रुमगोंग में हम मेरा समझ में सेंक्शन करके गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वो ये रुमगोंग टू योगोंग ये सीआरएफ रोड है, उसको सेंक्शन करके गया है, और मोलम टू बोंगने ये भी ये निश्चित रोड है, तो उसको भी सेंक्शन किया है। फिर कायिंग टाउनशिप रोड वो सीआरएफ का है, वो भी करके गया है। तो अभी ये इस रुमगोंग ये सब रुमगोंग डिवीज़न का है, पीडब्ल्यूडी डिवीज़न का है, उसमें से अभी काम हुआ है सिर्फ रुमगोंग टू योगोंग, बाकी कुछ काम नहीं हुआ है। आप कह भी रहे थे कि जितने भी सेंक्शन आपके मिनिस्टर रहे थे आपने करवाया है, वो पिछली बार चुनाव में हारने के बाद जो यहाँ के विधायक बने हैं वो उसको लगातार कंटिन्यू नहीं किया गया, ऐसा भी आप कह रहे थे, उसे भी सुनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसमें वो काम नहीं किया है, क्योंकि ये मतलब वो कुछ ये काम को माने ब्लॉक करने वाला ही हो गया इसका ये डेवलपमेंट को, क्योंकि उसमें टेंडर हुआ है, टेंडर में जो लोएस्ट बिडर है उसको नहीं दिया, लोएस्ट बिडर को नहीं दिया, लोएस्ट बिडर जो है बहुत कोशिश किया नहीं दिया। तो फिर उसमें तो रिकॉर्ड में है एमएलए साहब भी उस ये फार्म को नहीं देना है बोल के उसमें ये नोट शीट भी लिखा हुआ है, और यो नोट लिखा हुआ है, तो नेचुरली प्रेशर में आ गया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको ये पीर के टेंडर कैंसिल करके पीर रीटेंडर करने का कोशिश किया है, तो भी जो लोएस्ट बिडर जो है वो कोर्ट में चला गया, नेचुरली जाएगा ही कोर्ट में चला गया, और कोर्ट का चक्कर है अभी तो डिसीजन नहीं हुआ है, ऐसे चल रहा है। विकास के मामले में ये 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार अगस्त के महीने हमने यहाँ पे एक और रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट डाली थी यहाँ के रुमगोंग के जो सड़के हैं उसके हालत को लेकर, जहाँ पे हमें देखने को मिला है कि सड़के कम कीचड़ ज़्यादा दिखाई दे रहा था, तो विकास मामलों में आपका क्या राय है आपके इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर? विकास नाम के लिए कुछ अभी सबसे प्रोमिनेंट विकास जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन है, रोड नेटवर्क है, रोड यहाँ का बहुत काफ़ी खराब है, रोड जो है रोड है लेकिन मेंटेनेंस नहीं है,
तो हमारा यहाँ में ज़्यादा बारिश होता है रोज जो है उसमें माने ब्लैक टॉपिंग होने से भी 3 साल से ज़्यादा लास्टिंग नहीं होता है। अभी 4 साल 5 साल में एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ तो रोड तो खराब होगा ही। तो इस तरफ में ऑनरेबल MLA सिटिंग MLA जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो अगले चुनाव में जो आने वाला चुनाव है उस पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर आप उस 2024 की इलेक्शन अगर आप जीतते हैं तो आप विकास को लेकर कौन कौन सी ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो आम जनता को दिलवाना चाहेंगे उनके लिए कौन कौन सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे सर? मैं तो पहले रोड सेक्टर को ही इम्पोर्टेंट देगा, और जो अभी हमारा एक सर्कुल हेडक्वार्टर है अभी तक पायुम वो अभी तो रोड से कनेक्टेड नहीं है, प्रायोरिटी उसमें देना चाहिए। वो कम से कम पायुम हेडक्वार्टर जो है सर्कुल हेडक्वार्टर जो है रोड कनेक्टेड होना चाहिए। बाकी तो रोड कनेक्टेड हो गया, ये बाकी एरिया जो है ठीक है, रोड का कंडीशन विदाउट मेंटेनेंस से ठीक नहीं है, लेकिन रोड तो बन गया है जहाँ तहाँ सब बस्ती में एक दो को सड़ के। तो अभी पड़ा हुआ है पायुम सर्कुल, तो पायुम का रोड ने को हम बिल्कुल जोर देगा, और हमारा यहाँ का जो रोड नेटवर्क मेंटेनेंस जो है उसको अच्छा से करेगा। और एक दो तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी सेंक्शन होना पड़ेगा, तो ये सब हम जोर देगा। और मेडिकल सेक्टर में हम बहुत जोर देगा, और एजुकेशन सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशन है लाइक BKB ऐसे ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट होना है, उसके लिए भी हम जरूर जोर देगा। 2024 के जो इलेक्शन है उसको लेकर आपका क्या राय है, क्या विनिंग स्कोप आपका क्या होता होगा, आपका अंदर आपका राय आपका विनिंग स्कोप वो थोड़ा आपसे सुनना चाहेंगे। विनिंग स्कोप तो है, हम भी यहाँ लोग कहते हैं कि तमियोता का जो कि आप है कई बार एक बार जीता एक बार हारा एक बार जीता, तो पिछली बार आप हारा है तो आने वाले चुनाव में आप जीतेंगे ऐसा आम जनता कह रहे, क्योंकि एक बार हार के फिर जीतना आपका ये एक तरफ से आपका नियम बन गया ऐसे भी लोग कह रहे हैं। नियम तो नहीं है लेकिन ऐसे ही हो गया है किस्मती में कि हम अभी तो कंटिन्यूस 8 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, 8 इलेक्शन में 4 बार जीता है 4 बार हारा है। तो ये रिकॉर्ड अरुणाचल में किसी लीडर का नहीं है, अरुणाचल में तो जीतने वाला जीतते ही जाता है हारने वाला हारते ही जाता है, कोई हार के जीत के ऐसे कोई लीडर नहीं है, मेरा रिकॉर्ड अलग है। धन्यवाद आपसे बात करें। हाँ थैंक यू। तो आपके यहाँ सुनने को मिला है कि 4-4 कैंडिडेट है आने वाले चुनाव के लिए, तो आपको हिसाब में क्या लगता है, क्योंकि चारों का चारों बीजेपी से ताल्लुक रखने वालों में से उन लोग का विनर भी दिखाया गया है, तो आपका क्या राय है इस पर, आपका सोच क्या है इस पर पूरा सुनना चाहेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है, यहाँ 4 कम हो गया 10 उतने से भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ का ऑफिशियल बीजेपी कैंडिडेट जो है लास्ट ईयर 2019 में भी तमियो तागा ही था, और ये ऑफिशियल कैंडिडेट का भी सिर्फ बात नहीं है, पहले से 2009 से तमियोता का बीजेपी टिकट से इलेक्शन जीत गया है। हाँ उनका साथ बहुत सारा आदमी जीता है, 5-6 आदमी जीता है, लेकिन जिन लोगों ने इलेक्शन बीजेपी से जीत के गया है उन लोग ने 1 साल बीजेपी में बैठ के 2 साल बैठ के बीजेपी से निकल गया, वो लोग कांग्रेस में कोई कोई ज्वाइन हो गया, NPP में कोई कोई ज्वाइन हो गया, ऐसे हो के अभी तक ऐसे सिंगल एलोन तमियोता का सिंस फ्रॉम 2009 इलेक्शन जीत के 2019 तक वो बीजेपी में रह रहा है। यानी तमियोता जी को छोड़ के जितने भी 3 चुनाव ये है कैंडिडेट है वो सब बीजेपी अभी नाम लगवाने से भी आने वाले दिनों में उनके लिए बीजेपी कुछ नहीं होगी सर, सिर्फ टिकट मिलना तमियोता को शायद तय है। नहीं देखिए हम ऑलरेडी बता चुका है, पहले भी बता चुका है, तमियोता का ऐसा आदमी है बीजेपी का बात बोलने से अरुणाचल में तमियोता का ही है। हाँ एक दो आदमी है लाइक ताई तागाक जी है, उनका जो कार्यकर्ता में आया है हिन्युम तासु उन लोग जैसा आदमी बीजेपी को अपना घर जैसा अपना फैमिली जैसा बीजेपी को अरुणाचल में चला रहा है। आज जो भी अरुणाचल में बीजेपी का गवर्नमेंट आया है बिकॉज ऑफ तमियोता का, जितना भी होने से भी तमियोता का वजह से है, और अभी जितना अभी यहाँ का रुमगोंग का 4-4 5-5 उम्मीदवार कैंडिडेट है बोलने से भी तमियोता का बीजेपी ऑफिशियल प्रोसीडियर को अगर रिटायरमेंट ले लिए बोलने से उन लोग टिकट मांग सकता है, क्योंकि तमियोता का कहीं उसके लिए बीजेपी के लिए कुछ कमियां नहीं है,
जहाँ सेंट्रल में जाने से भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटेंड करता है और स्टेट में भी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटेंड करता है, अपना डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटेंड करता है। तामेता का बीजेपी के लिए कुछ भी हाथने वाला नहीं है, बीजेपी के लिए ही बनाया वाला एक इंसान है तामेता का। 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के में किए गए विकास कार्य को लेकर आपका सोच जानना चाहेंगे। ऐसे तो अभी इसको तो एग्जैक्टली हम विकास का बात बोलने से अभी अभी जितना भी बीजेपी का लीडर है स्टेट में पेमा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का शिप में इलेक्शन लड़ेगा तामेता का, और नेशनल में वहाँ में सेंट्रल में पीएम मोदी का किला मोदी का शिप में लड़ेगा इलेक्शन। तो ये बार जितना भी जनता भी हो जैसे भी हो तामेता को ये बार आनोपोस में बेचना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में तामेता को जिताया जाए यहाँ से 32 से? नहीं, 30 जिताया नहीं जाएगा, कुछ अभी ऑलरेडी जीत के बैठ चुका है उनका। अभी जो लोकल विधेयक हमारा 32 रुमगंगा जो अभी लोकल विधेयक ईयर थालम ताबू जी है उनका जब अभी एमएलए बनने के बाद 4 ईयर्स ओनली 4 ईयर्स हुआ है, 4 ईयर्स में कितना आदमी को इधर उधर जाने वाला देखा है। हम तो मैं खुद खालिंगा टीम थालम ताबू में कभी काम नहीं किया है, उनका आदमी निकल गया आ गया उनको भी हम पता नहीं है। लेकिन इवन जो भी है जैसे भी है थालम ताबू का आदमी लोग का बोलने वाला लिखने वाला देख के हमको भी थोड़ा सेंटीमेंट आता है। अपना बॉस को अपना लीडर को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाने का बात इतना तो उनका पार्टीशन निकलने से भी ये नहीं होना चाहिए, इतना तो बिग वाइटिंग नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है जब भाषण कर रहे थे तो जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ के जो फॉर्मर मिनिस्टर द्वारा जो लाया गया था वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ऐसा भी भाषण में हमें सुनने को मिले, उसको थोड़ा तो विस्तार से आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। अभी देखिए अपना पहले इस्वीस में भी मेरा फॉर्मर मिनिस्टर तामेता जी ने लोग को बताया है हम अपना टेन्योर में 2018 में इतना इतना करोड़ पैसा सेंक्शन किया है। अभी हम पार्टिकुलर वर्क का बात पार्टिकुलर स्कीम का बात बोलने से आप देखिए काइंग ईएससी हेडक्वार्टर टू रुमगोंग एडीसी हेडक्वार्टर नेसिट से 39 करोड़ का सेंक्शन हुआ है, वो पान अभी लेप्स हो गया। अभी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा लोकल विधायक थालम ताबो को रिक्स लेना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपना यूओ नंबर लिख के कोर्ट में कॉन्ट्रैक्टर लोग हम काम करवा देगा हम काम करेगा हम काम करेगा बोल के कोर्ट में इवन कोर्ट का दरवाज़ा तक जाता है तब भी कोर्ट में भी कुछ फैसला नहीं होता है। अभी 2018 में जो टेक्निकल सेंक्शन हुआ है 39 करोड़ वो भी पान लेप्स हो गया। काइंग टाउन प्लानिंग 2018 में 15 करोड़ जो है CRF से सेंक्शन किया है वो भी सेम ऐसे हो गया। काइंग टाउन प्लानिंग में उनका एक प्रोग्राम था एक पॉलिसी था खुद अपने मिसेस को एंटरप्रेनर बनाने का, ऐसे कुछ कर करके दिले तक से कर करके काम पैसा भी चला गया। उनका जो एनलिस्टमेंट हुआ है फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन हुआ वो भी चला गया, कैंसलेशन हो गया। और उनका साथ अभी देखिए एक बात ये बात लास्ट प्रोजेक्ट ये देखिए गाते बिलिश 20 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है उसको रिसेंटली नहीं अभी कुछ एक साल हुआ है NIT फ्लोट हुआ है। इतना माइनस अपना यहाँ का विधायक थालम ताबू जी ने खुद अपना काम करने के लिए जहाँ तहाँ का एंटरप्राइजेस मांग के टेंडर डाला है सब कुछ की अपना पेपर में किया है माइनस 31 में जाके उन्होंने टेंडर को जीत हासिल कर लिया। अभी जीत हासिल करने के बाद देखिए आपको 100 रुपीज़ गवर्नमेंट दे रहा है तो आप कैसे 69 रुपीज़ में खरीदेगा। अभी सुनने में आया है हमारा जो सेबुंग बांगो वेलफेयर सोसाइटी का कुछ कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर को ये काम को करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बोल के हमको सुने मिल रहा है। ये झूठ है ना क्या है पता नहीं, वो सेबुंग बांगो का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से हमको भी मालूम होगा। ये देखिए सेबुंग बांगो वेलफेयर सोसाइटी को हम ये अपील करता है ऐसे बिल्कुल काम मत कीजिए, आप 100 रुपीज़ वाला काम को 69 रुपीज़ में 100 रुपीज़ वाला रेट को 69 रुपीज़ से कैसे आप खरीदेगा। वो बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट वर्क में टेंडर वर्क में GST होता है लेबर चार्ज होता है ऐसे मिसलिनियस बहुत सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो कुछ कुछ बागरा टैक्स बागरा होता है टोटल हम काउंट कर देने से माइनस 60 में हो गया। अभी 100 रुपीज़ का सामान को कैसे 40 रुपीज़ में आप खरीदेगा। थैंक यू। वो सारे अनइम्प्लीमेंटेड जो काम है जो वर्क है उसको लेकर आप लोग यहाँ के स्थानीय होने के नाते क्या चाहता है जो अभी के फिलहाल के जो सिटिंग विधायक से हमको तो यही बोलना चाहिए हमको तो हम तो यही बोल रहे हैं आप
लीडर का मीनिंग को आप समझिए। हम पहले अपना ये स्पीच में भी ऑलरेडी बोल चुका है, आई ऑलरेडी टॉक टू द पीपल, हम ऑलरेडी बोल चुका है जो लीडर है एबनॉर्मल आदमी को भी आपको आगे लेके जाना पड़ेगा, एरिया में गुंडागर्दी होने से भी उनको भी आप समझाना पड़ेगा, एरिया में किसी रैपिड डेवलपमेंट एक्टिविटीज लीडर हो के अपना लेवल में स्टेट लेवल से 5 सेंक्शन करके, सेंट्रल लेवल से 5 सेंक्शन करके अपना यहाँ देने के लिए कोशिश करना है। हमको तो ये तालेम तावा जी को हम ये नहीं लगता है कि वो लीडर है। थैंक यू सर।